अतिथि देवो भव, याद है? आओ बेटा। अतिथि भगवान होता है जैसे गणपति। जाओ बच्चों, जाओ। रहने दो पप्पू बेटा, रहने दो रहने दो। जब मन होगा तो मन से करेगा। हा? आदर भाव शिक्षा से आता है। रहने आप बैठो, मैं चाय बना के। नहीं नहीं, अब चाय की चपास नहीं है। अच्छा जी ने फू मारा। मेरे या चाचा जी के? आयुष नटखट है, बाल है। कितने दिन का प्रोग्राम है उनका? दो चार दिन का होगा। कुछ बनाया उनके लिए? उनका तो पेट खराब है, खिचड़ी बना दूं? नहा लिए चाचा जी? बेटा फव्वारा चालू करके मजे से नहाए, शानदार गुसल खाना है। और वो साबुन इतना खुशबूदार, बिल्कुल आर पार दिख रहा था। एक कपड़े सुखा के आते हैं। और बाबा रामदेव का चुरन भैया एकदम काम कर गया, पेट भी टना टन हो गया है, बहुत भीषण भूख लगी है बिटिया। हैं, अपने गुणी हाथों से कुछ चावल बना दो, साथ में दाल और देसी घी है हैं? तो चार पांच पराठे और दो एक सब्जी और दही होगा तो रायता हैं? और क्या कहते हैं, मूली सब्जी गाजर सैलेड, ये भी बना दो। ज्यादा कष्ट मत उठाना, ठीक है? मीठा नहीं लेंगे? वो तो बात हुई ना, बात। अभी पूजा करके आते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं। मेरा चाचा जी होती ना तो तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती। बहुत स्वादिष्ट खाना था। सरला की याद आ गई, वाह। और लीजिए ना चाचा जी। कुछ और बना देते हैं। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। ओ बिटिया, ओ बिटिया, जी। ये लो। कुछ मंगवाना था चाचा जी? बहू के हाथ का पहली बार खाना खाया है, झोली खाली रखते हैं तो पाप लगता है। रख लो बेटा, सगुन के रख लो। हमारा अन्नपूर्णा तुम्हें सदा सुखी रखे और तुम्हारे दरबारे से कोई भी भूखा ना जाए। अरे आयुष बेटा, आप यहाँ क्या देख रहे हो? रोटी खाओ।